नमस्कार दर्शकों, वंदन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित नजीबाबाद थाना क्षेत्र की, जहां ट्यूशन पढ़ने जा रहा एक युवक चाइनीज मांझी की चपेट में आकर घायल हो गया। दरअसल स्थानीय निवासी छात्र ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, तभी जलालाबाद इलाके में युवक जैसे ही फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जिसकी चपेट में छात्र आ गया और गंभीर घायल हो गया। राहगीरों ने घायल छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। वहीं छात्र के परिजनों ने चाइनीज मांझे की शिकायत पुलिस से भी की। मोहम्मद तारिक, क्या कारण आज घायल हुए? ये आज नजीबाबाद ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे थे, तो जैसे ही पुल पे चढ़े तो ये वहीं पे साइड में बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग के मांझे से गला कट गया। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये MDS में पढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ घटना कहाँ की है? जलालाबाद पुल के ऊपर। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है, जिसका अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। डॉक्टर दिलशाद जनरल सही आयशा हॉस्पिटल नजीबाबाद से भी जो पेशेंट आया था, जो ये चाइनीज मांझा होता है, उसी से इसकी गर्दन में इंजरी हुई, नेक इंजरी, जो कि मसल डीप थी, काफ़ी ब्लीडिंग तो वहाँ हो गई थी। रिश्तेदारों ने बताया जब यहाँ लेकर के आए कि काफ़ी ब्लीडिंग हो गई, बस हम लोगों ने इसको लेयर्स में रिपेयर कर दिया। पेशेंट को अब पेशेंट ठीक है, खतरे से बाहर है, इसे कोई सीरियस बात नहीं। बहरहाल एक आपके माध्यम से हमने पहले भी कहा था, आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी, मीडिया ने और प्रशासन ने भी, SDM साहब ने उसकी बंद करवा दिया था मांझे को। फिर से मुझे हैरत हो रही है, कैसे बहुत नुकसान होता है, हानि होती है, लोगों को दिक्कत होती है, खास तौर से फ्लाईओवर के ऊपर जब जाते हैं तो ऐसी जान माल की हानि होती है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, ये लोग भी यही चाहते हैं। और इसी के साथ जुड़ा रहे बंधन समाचार के साथ।